अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग ताइफ पहुँच चुके थे और फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाना था हमने, तो अभी उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। उसी तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों को दिखाते हैं वो जगह। जी दोस्तों, ये जो अब हम जिस रूट पे आ चुके हैं, यहाँ से ये वो वादी शुरू हो जाती है जहाँ पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी गुजरा और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये गांव भी है और यहीं पे आगे उनका घर भी है। यहाँ पे इसी राइट साइड के नीचे की जानब एक कुआँ भी बना हुआ है, उसकी हिस्ट्री तो नहीं मालूम लेकिन कुआँ है, पुराना कुआँ है। तो चलिए आगे घर जाके देखते हैं। जी दोस्तों, तो ये वो एग्ज़ैक्ट प्लेस है जहाँ पे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर हुआ करता था। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पे चक्कर लगा चुका हूँ, तो प्रॉपर यहाँ पे एक घर कमरे की शक्ल, वो प्रॉपर कमरा बना हुआ था। तो उसके साथ यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ था, तो अब ये साइन बोर्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन एग्ज़ैक्ट प्लेस यही है क्योंकि मुझे लोकेशन मैंने तब भी सेव की हुई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं भी आप लोगों को इसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन दे दूंगा, तो एग्जैक्ट प्लेस यही है। तो दुआओं में याद रखिएगा, आगे इंशाल्लाह मज़ीद जो है मैं आपको मदीना पाक की भी ज़्यारतें करवाऊँगा। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आंदा आने वाली कोई भी वीडियो ज़ाया मत हो, आप देख सकें, मदीना पाक की ज़्यारतें भी देख सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।